Good evening to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. Today we are going to discuss a topic that is cryptomenorrhagia. So in this, crypto means secret. Okay, this word crypto means secret. Menorrhagia means menstruation cycle. तो अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो बनता है हमारा सीक्रेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ऐसा तो होता नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कभी सीक्रेटली हो जाए, सीक्रेट हो, बट हाँ कुछ कंडीशंस जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो तो रही है या पीरियड्स आ तो रहे हैं बट वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं सीक्रेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मे बी क्रिप्टोमेनोरेजिया में प्रॉब्लम क्या हो रही होगी कि पीरियड्स तो अपने टाइम पे आ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रही है बट किसी न किसी रीज़न की वजह से वो शो नहीं हो रही है, वजाइना के थ्रू बाहर नहीं आ रही है। इसको बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरेजिया। ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन। सो एज यू कैन सी दैट कि मेंस्ट्रुएशन अकर्स बट देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो ऑफ द ब्लड। सो मैंने आपको बताया ना कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, ठीक है, नॉर्मल है वो, बट किसी ना किसी वजह से वो मेंस्ट्रुएशन जो ब्लड है वो बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, जेनिटल ऑर्गन से बाहर नहीं आ रहा है। तो मे बी कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो, ठीक है, कोई ना कोई रुकावट आई है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो बाहर नहीं आ रही है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन वो हो सकते हैं। सो द मेन यू कैन सी डेट कंजेनाइटल और एक्वायर्ड में डिवाइड है, ठीक है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड में ये डिवाइड है। तो कंजेनाइटल में मे बी इनपरफोरेट हाइमेन हो सकता है। तो इनपरफोरेट हाइमेन हम पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हाइमेन जो हमारी लेयर होती है, जो हाइमेन हमारी होती है, उसमें एक मतलब पाथवे होता है, ठीक है, आउटफ्लो करने के लिए पाथवे होता है, एक होल होता है। बट अगर कंजेनाइटल प्रॉब्लम है तो उस हाइमेन लेयर में कोई होल नहीं होगा, वो पूरी कवर की गई होगी, कवर होगी वो, और अगर उसमें होल नहीं होगा तो इंटरनल जितना भी पीरियड्स का ब्लड है वो बाहर कैसे आएगा, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आप देखिए वजाइनल एट्रिशिया, ठीक है। तो एट्रिशिया मीन्स होता है एबनॉर्मल क्लोजर ऑफ दी वजाइना, ठीक है, वजाइना जो है वो क्लोज है, जैसा कि हमारी वजाइना में एक पाथवे होता है, वो पाथवे कहीं ना कहीं एब्सेंट है, ठीक है। सर्वाइकल स्टिनोसिस, तो सर्वाइकल स्टिनोसिस मीन्स होता है कि सर्विक्स का जो वे है, रास्ता है, वो बहुत नैरो है या तो क्लोज है। दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो बहुत छोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, या तो वो क्लोज है कम्प्लीटली। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, किसी ना किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, चाहे वो कंजेनाइटल हो चाहे वो एक्वायर्ड हो, प्रॉब्लम हो क्या रही है, जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड है वो बाहर नहीं आ पा रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज क्रिप्टोमेनोरेजिया। सो हम आगे देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी, जिससे हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्यों हो रही है। सो इन पैथोफिजियोलॉजी एज यू कैन सी दैट कि किसी भी एटियोलॉजी की वजह से, चाहे वो कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो चाहे वो एक्वायर्ड प्रॉब्लम है हो, ठीक है, उससे हो क्या रहा है, जो फ्लूइड है जिसको बाहर आ जाना चाहिए वो अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। कहाँ स्टोर हो रहा है, यूट्रस के अंदर, यूट्राइन कैविटी के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, हेमेटोकॉल्पोस, ठीक है। हेमेटोकॉल्पोस मीन्स होता है ब्लड का स्टोर हो जाना वजाइना के अंदर। अब भाई यूट्रस के अंदर स्टोर होगा तो वजाइना के अंदर भी कहीं ना कहीं वो आएगा। अब वजाइना में अगर पाथवे नहीं है बाहर आने का तो वजाइना के अंदर स्टे हो जाएगा, ठीक है। या तो क्या क्या हो, या क्या प्रॉब्लम हो रही है, हेमेटोमेट्रा, हेमेटोमेट्रा मीन्स ब्लड स्टोर हो रहा है यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो ये सारी इटियोलॉजी की वजह से हो रहा है। हमारा मेन फाइनल जो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो वो ब्लड है जिसको बाहर आ जाना चाहिए वो बाहर नहीं आ रहा है, तो हमारे इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, सॉरी क्लिनिकल फीचर्स।
क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, साइन एंड सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, देखिए सिंपल सी चीज़ें, एमेनोरिया होगा, एमेनोरिया मीन्स ए मीन्स एबसेंट, मेनोरिया मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर नहीं आ रहा है तो उसमें हमने क्या बोल दिया कि वो एमेनोरिया है, ठीक है, वो कंप्लीट एमेनोरिया तो नहीं है, एमेनोरिया में तो ब्लड आता ही नहीं है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, तो उसको भी हमने एज इंडिकेट कर दिया एमेनोरिया। लोअर एब्डोमिनल पेन, देखिए पेन तो होगा क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, देखिए शेड तो हो रही है, एंडोमेट्रियम जो है वो शेड हो रही है, तो पेन तो जैसे नॉर्मली पीरियड्स में होता है वो तो होगा ही। देन रिटेंशन ऑफ द यूरिन, तो अगर वजाइना में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, और हाइमन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो मे बी यूरेथ्रा आपका कवर हो जहाँ से यूरिन बाहर आता है, मे नॉट, मे और मे नॉट भी हो, लेकिन अगर वजाइना में ऑब्स्ट्रक्शन है तो मे बी यूरेथ्रा भी आपका कवर हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपका यूरिन भी पास नहीं हो पाएगा। देन बल्जिंग हाइमन, आप ये इमेज देखिए, इस इमेज में आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये है हमारा हाइमन, और ये आपको कैसे दिख रही है, एकदम टाइट हाइमन दिख रही है, क्यों, क्योंकि अंदर इसके ब्लड फिल्ड है और ब्लड के प्रेशर से क्या हो गया, ये बल्ज हो गई, ये एकदम प्रेशर के साथ टाइट हो गई है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बल्जिंग हाइमन। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन, तो हम हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन में हम ये पता कर सकते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है वो कितने टाइम से हो रही है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ दी बल्जिंग हाइमन हम पता कर सकते हैं, एमिनोरिया हम पता कर सकते हैं, ठीक है, पेन की सीवियरिटी पता कर सकते हैं, डिसकम्फर्ट फीलिंग पता कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब से उसको पीरियड स्टार्ट होंगे, मेनार्की पीरियड, मेनार्की एज से उसको पीरियड स्टार्ट होंगे तो उसके साथ हर बार यही प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में बल्जिंग ऑफ दी हाइमन हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वजाइना पे प्रेशर हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वजाइना पे कितना प्रेशर आ रहा है, वजाइनल एग्जामिनेशन में हमें पता चल जाएगा कि उसका पीरियड्स का टाइम है बट जो ब्लीडिंग है वो आउट साइड फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम फिजिकल एग्जामिनेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी, तो एज वी ऑल नो डैट कि कोई भी डिजीज़ को कंफर्म करने के लिए हम यूएसजी करते हैं, तो यूएसजी से हमें इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल कलेक्शन फ्लूड का पता चल जाएगा कि जो ब्लीडिंग है, जो ब्लड है, मेंस्ट्रुएशन ब्लड है, वो इंटरनली कलेक्ट होगा, ठीक है, और हमारी हाइमन जो है वो भी हम इजिली इंटैक्ट देख लेंगे कि कम्प्लीटली इंटैक्ट है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें बहुत हेल्प मिलती है कि हम अपने डायग्नोसिस को कंप्लीट कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं, और एट द बेसिस ऑफ यूएसजी रिपोर्ट हम अपना मैनेजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में आप देखिए इंसिशन करना पड़ेगा हाइमन में, थोड़ा सा होल बनाना पड़ेगा, होल बना के क्या करना है, निकालना है ब्लड को बाहर, यहाँ पे देखिए इस वाली इमेज में, इसमें कुछ नहीं किया गया है, होल बना दिया गया है, इस वाली इमेज में देखिए ब्लीडिंग बाहर निकाली जा रही है, इंसिशन करके हाइमन लेयर में एक होल बनाया गया है, उसमें से ब्लड, जितना भी एक्यूमुलेटेड ब्लड था वो बाहर आ गया है। देन डायलेशन ऑफ द सर्विक्स इन द स्टेनोसिस, अगर सर्विक्स हमारा अगर क्लोज्ड है या नैरो है पाथवे, तो उसको क्या करना है, डायलेट करके उसको नॉर्मल बनाना है। सो दिस इज़ अ मैनेजमेंट, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत छोटा सा टॉपिक एंड इट्स वेरी इजी, नथिंग टू बी वरीड अबाउट, सो थैंक यू, अगर कुछ क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स, हैव अ नाइस डे।